नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और कुछ ना कुछ करके अपने आप को या अपनी लाइफ को सुधारने की कोशिश कर रहे होंगे। तो अब मैं भी ठीक हूँ और धीरे धीरे अपनी जो रूटीन है उसको चेंज कर रहे हैं और धीरे धीरे जो हमारा काम था उसी रूटीन पे आने की कोशिश कर रही हूँ मैं भी। और बहुत सारा काम जो है वो आज किया है और बहुत सारा आराम भी जो है वो आज किया है। अभी तुरंत मैंने एक हेयर पैक जो है टोनर एक्चुअली वो बनाकर यूज़ किया है और उसका डिटेल वीडियो जो है वो सिटी के तिवारी चैनल पर जाएगा, आप जाकर एक बार देख सकते हो। यहाँ पर हाथ देखिए मेरा, ये देख सकते हो आप, इस पर कलर है जबकि मैं वॉश करके आ चुकी हूँ साबुन से इसको, तो जो हमारे वाइट हेयर है उस पर इसका कलर 100% आएगा। जिनको भी हेयर से जुड़ी हुई कोई भी परेशानी हो वो मेरे सिस्टी के तिवारी चैनल पर जाकर देख सकते हो, वो मेरा मेन चैनल है। वहाँ पर मैं बालों से जुड़ी हुई बहुत सारी वीडियोज़ जो है वो आप सबके साथ शेयर करती हूँ, चाहे वो डैंड्रफ हो या आपके सफ़ेद बालों की समस्या हो या फिर आपके बाल बढ़ नहीं रहे हो या आपके बाल घने ना हो या फिर आपके सर पे गंजापन आना स्टार्ट हो गया है, वो सारी चीज़ों का सलूशन उस चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो आज कुछ नया क्या है वो आप सबके साथ शेयर करते हैं। तो चलिए अपना जो ब्लॉग है वो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, लेकिन तबीयत ठीक होने की वजह से मैं वो काम जो है वो नहीं कर पा रही थी, तो आज मैं आपको एक पूरा जो गाउन है हमारा फ्रॉक कट गाउन या फिर मैं बोलूँ अम्ब्रेला कट गाउन जो है, लॉन्ग नहीं है और शॉर्ट भी नहीं है, मीडियम साइज़ का मैंने बनाया है, वो मैं आज आप सबके साथ शेयर करूँगी। मैंने उसमें 3.5 मीटर के करीब मैंने आई थिंक या तो 3 मीटर लिया था या 3.5 लिया था, कपड़ा मैंने लिया था, काफ़ी पहले लिया था, बहुत दिनों से मेरे पास रखा है वो, और मैंने उसकी कटिंग वगैरह कर ली है। उसका जो प्रोसेस है वो मैं सारा आप सबके साथ शेयर करूँगी, बहुत आराम से, बहुत धीरे से, पूरा डिटेल में आपको समझाऊँगी। सुपर फास्ट तरीके से अगर हम कोई भी काम करते हैं ना तो वो खुद को समझ आता है ना उनको समझ आता है जो हमारा ब्लॉग या वीडियो देख रहे हैं। तो बहुत तेज़ी से बहुत सारे वीडियो मैंने भी देखे हैं कि जो फटाफट करके दिखा देते हैं ये वो अनसर्न, मतलब फटाफट उनके हाथ पैर चलते रहते हैं और बस स्क्रीन पर लिख देते हैं। देखिए, जब हम कोई काम कर रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं, तो उसको धीरे धीरे सिखाएंगे तभी सामने वाले को वो समझ आता है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगे कि मैं कुछ बताना भूल गई हूँ या मुझसे कुछ मिस हो गया है या आपको कुछ समझ नहीं आया, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, मैं उसका आंसर 100% देती हूँ और बहुत जल्द देती हूँ। ऐसा नहीं कि 2-4 दिन बाद मैं उसका आंसर करती हूँ, मैं पूरी कोशिश करती हूँ 4 से 5 घंटे के बाद किसी ने कोई भी क्वेश्चन पूछा है या कोई भी कमेंट किया है मैं उसका रिप्लाई करूँ। तो चलिए फिर एंड तक देखो और कोई भी कमी अगर रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। अच्छा लगे तो लाइक करना, बुरा लगे तो डिसलाइक कर देना, कोई बात नहीं, एक कमेंट ज़रूर कर देना कि क्या चीज़ आपको अच्छी लगी आज के ब्लॉग में, जो अच्छी लगी हो वो ज़रूर बताना। देखिए दोस्तों, ये है मेरा कपड़ा, बहुत ही प्यारा सा ब्यूटीफुल सा कलर है इसका और डबल शेडिंग वाला कपड़ा है, मुझे बहुत अच्छा लगा था ये, तो मैंने इसको डबल फोल्ड में यहाँ पर बिछा दिया है। मैंने इसको लंबाई में बिछाया है, चौड़ाई में नहीं, ठीक है? तो आप जैसे आपको अच्छा लगे उस तरह से आप बिछा सकते हो। यहाँ पर सबसे पहले आपको तीरे का नाप लेना है, जितना आपका तीरा हो उसका हाफ कर लेते हैं, तीरे में कोई भी एक्स्ट्रा बढ़ाते नहीं हैं हम। तो तीरा मैंने 7 इंच ले लिया है और उसके बाद यहाँ पर मैंने सबसे पहले 14 इंच पर निशान लगाया है और ये जो मेन पॉइंट है ना आप इनको ध्यान रख लीजिए। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले 14 इंच पर निशान लगाया और उस लाइन को मैंने आगे तक कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए, यहाँ नीचे की तरफ जितना हमने अपना तीरा लिया था उतना ही यहाँ पर हम अपना लेंगे, चेस्ट का निशान यहाँ पर लगता है, तो ये 7 इंच आया, मैंने इसको भी लाइन को आगे तक ड्रॉ कर दिया है। तो ये 2-3 पॉइंट जो है इनको आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर चेस्ट का हम मार्क लगाएंगे, तो जितना हमारा चेस्ट होता है उसको 4 से डिवाइड कर देते हैं और उसमें लगभग 2 इंच के करीब उसको प्लस कर देते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया और उसके बाद यहाँ पर मैंने लाइन ड्रॉ कर दी सीधे और उसके बाद बाजू का निशान लगा लिया, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, अब मेरा आया था 12 इंच, तो पहले 12 इंच पर मैं निशान लगा लेती हूँ। देखो बिल्कुल मैंने कपड़ा जो है ना बिल्कुल नाप के रखा है। अब यहाँ पर ये जो 14 इंच का निशान लगाया था वहाँ पर हमारी कमर का 4th पार्ट लेंगे, मतलब कि 4 से डिवाइड कर देंगे और जितना आएगा उसमें 2 इंच प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर मेरा 11 इंच आया है, तो ये देखिए मैंने निशान लगा लिया और ये तिरछी लाइन आती है इसको ड्रॉ कर लेंगे। बस ये मेन पॉइंट होता है, आप इसको ध्यान में रख लोगे तो बहुत अच्छी तरीके से सूट हो, ब्लाउज़ हो, किसी भी चीज़ की कटिंग आप कर सकते हो। यहाँ पर मैंने अपर पार्ट कट किया है, मतलब कि बॉडी पार्ट कट किया है, 2 पार्ट में हम बनाएंगे अम्ब्रेला कट फ्रॉक जो बनेगा, गाउन बनेगा वो बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने अपने नेक की लेंथ ले ली है, आप जैसा जितना लंबा चाहो उतना बना सकते हो। यहाँ पर मैंने गोल बनाया है दोनों ही आगे पीछे का और आप चाहो तो कोई भी डिज़ाइन यहाँ पर डाल सकते हो। अगर आपको नेक बनाने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर देना, मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो आपको बनाकर शो कर दूंगी।
तो यहाँ पर लगभग 5.5 या 6 इंच के करीब मैंने ड्रॉ कर लिया था। और इसकी लेंथ जो है मतलब चौड़ाई वो मैंने 3 इंच रखी थी। अगर आपको ज़्यादा डीप नेक पहनते हो तो आप यहाँ पर 3.5 कर सकते हो और लंबाई में उसको बढ़ा सकते हो 6-6.5 इंच तक। तो मैंने यहाँ पर एक पार्ट अभी कट किया है फ्रंट वाला, और अब हम बैक वाला कट करेंगे। तो नीचे की तरफ से जो कपड़ा बचा था उसी को मैंने ऊपर खींच लिया है, और जो एक पार्ट कट किया है उसी को रख कर आप चाहो तो निशान लगा लो, और आप चाहो तो इसी तरह से रख कर आप कट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए बाजू का मैंने कट कर लिया है और नेक जो है वो भी कट कर लिया। तो दोनों पार्ट जो है वो हमारे कट कर रेडी हो चुके हैं। दोनों फ्रंट में और बैक में मैंने निशान भी लगा लिया है, और मैंने दोनों के जो हमारा नेक होता है उसमें 1/2 इंच का अंतर रखा, मतलब आपको ये पता चले कि ये फ्रंट वाला कौन सा बैक वाला कौन सा। ठीक है, तो देखो कपड़े मैंने आप पूरा इसको डबल फोल्ड में बिछा लिया है, जैसे हम समोसा बनाते हैं ना ट्राइंगल, उस तरह से आपको करना है। अम्ब्रेला कट जब हम करते हैं, अम्ब्रेला कट का कोई भी स्कर्ट बनाते हैं या गाउन बनाते हैं तो इस तरह से करते हैं। तो मैंने इसको ट्रायंगल में बिछा लिया, पहले डबल फोल्ड किया उसके बाद ट्रायंगल में बिछा लिया। अब ऊपर की तरफ से जितनी हमारी कमर होती है या फिर अपर पार्ट रखकर भी आप कट कर सकते हो, तो मैं दोनों तरीके आपको बता रही हूँ। तो ये देखिए 4 पार्ट होगा यहाँ पर। 4 बार हमने अपने कपड़े को, मेन कपड़ा जो नीचे बिछा हुआ, 4 बार फोल्ड किया है। तो ऊपर का जो बॉडी पार्ट है उसको भी हम 4 बार उसकी तह लगा लेंगे और उसके बाद कट करेंगे। ठीक है, निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर एक और अलग तरीका मैं आपको बता रही हूँ। डबल फोल्ड में मैंने अपना रखा हुआ है अपर पार्ट, बॉडी पार्ट, और उसको मैंने डबल फोल्ड में पहले इसकी लेंथ देख ली, और उसके बाद फिर मैंने उसको 4 बार इंची टेप को फोल्ड करके वही यहाँ पर निशान लगा लिया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो मेरा लगभग 6-7 इंच के करीब आया था, तो वही मैंने निशान यहाँ पर लगा लिया है दोनों तरफ से। और यहाँ पर इस तरह से लाइन बन जाएगी, लाइन बनाकर और उसके बाद नीचे की तरफ अपना लंबाई नापेंगे। जितना हमारे कपड़े की लेंथ है उतना ही नाप लेंगे, या फिर आपको जितनी चाहिए आप उतना कर सकते हो। इसकी लेंथ आप बढ़ा भी सकते हो जोड़ लगाकर। तो देखिए एक तरफ से लाइन जो है मैंने ड्रॉ कर ली है, और एक तरफ से कपड़ा हमारा थोड़ा सा छोटा आ रहा है, ये देखिए। तो ये जो हमने यहाँ नीचे से कट किया है ना कपड़ा, वही मैंने यहाँ पर बिछा दिया, और इसको लाइन को पूरा करके मैं इसको कट कर दूँगी। तो देखिए यहाँ साइड में हमारे सिलाई लग जाएगी। अभी मैंने पिनअप कर लिया है। पिनअप करने से ये होगा कि आपको उल्टे सीधे का पता रहेगा और आप बिल्कुल भी गलती नहीं करोगे। तो ये देखिए मैं इसको खोल कर आपको दिखा रही हूँ। कटिंग जो है हमारी लगभग पूरी हो चुकी है, अब हमें सिर्फ अपना बाजू कट करनी है। बहुत प्यारा सा है, ये देखिए मैंने पूरा लेंथ में बिछा कर आपको दिखाया है। ये इसकी कटिंग पूरी हो गई है, और बाजू की कटिंग जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही आसान होता है। कपड़ा देखो कितना प्यारा सा है। तो देखो ये है हमारा जो हमने कट किया है। सॉरी, यहाँ पर मैं बाजू वाला पार्ट ऐड करना भूल गई हूँ। तो बाजू के लिए अगर आप चाहो तो मैं अलग से आपको एक सेपरेट वीडियो बनाकर शो कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने बुकरम कट कर ली है, और ये देखिए बुकरम से मैं नेक बनाऊँगी। और ये नीचे की तरफ से आप चाहो तो फोल्ड कर सकते हो, और आप चाहो तो यहाँ पर अपना पीको करवा सकते हो। तो देखिए बाजू मैंने कट कर ली थी। सॉरी दोस्तों, बाजू वाला जो वीडियो कटिंग था वो मुझसे मिस हो गया। तो मैंने यहाँ पर इसको किनारे की तरफ से पिनअप कर लिया, और उसके बाद एक सीधी सीधी सिलाई लगा देंगे, और उसके बाद मैं यहाँ पर लेस भी लगाने वाली हूँ अपने नेक में और अपने बाजू में। इससे क्या होगा, बहुत प्यारा सा जो डिज़ाइन बनकर आएगा, और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो सीधी सिलाई लगा लेंगे दोनों ही बाजू। मैंने इसी तरह से सीधी सीधी सिलाई लगा कर इसको पहले सिल लूँगी, और उसके बाद यहाँ पर किनारे की तरफ पर मैं आपको लेस लगाना भी बताऊँगी। तो देखिए दोस्तों, दोनों बाजू जो है वो सिलकर रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर मैंने ली है जो समोसा लेस होती है, या इसको ट्रायंगल लेस भी बोल सकते हो। तो इस तरह से आपको रखकर इसको सिलाई करनी है। तो इससे क्या होगा, लेस आपको नीचे रखोगे और अपनी बाजू ऊपर रखोगे तो बहुत आसानी से आराम से सिल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप चाहो तो उसको, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप सुई धागे से भी सिल सकते हो, बट कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती, आप फटाक से इसको सिल सकते हो। तो इसी तरह से दूसरी बाजू भी मैं रेडी कर लूँगी। बहुत अच्छी लगती है। अगर आपको लग रहा है कि एक और सिलाई लगानी चाहिए तो आप लगा सकते हो। तो दोनों जो बाजू है मैंने इसी तरह से रेडी कर ली है। तो अब हम इनको रख देते हैं साइड में, और दूसरा जो है अपना काम वो स्टार्ट करते हैं। तो नेक देखिए, यहाँ पर जो बैक नेक है वो मैंने बना लिया है, और फ्रंट नेक जो है वो मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। तो देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट बॉडी का, और ये जो मैंने, तो यहाँ पर देखिए मैंने बुकरम कट कर लिया है, और एक कपड़ा उसी पर रखकर किनारे से पहले इसको सिलाई लगा लेंगे। मैंने इसको पिनअप कर लिया है, आप भी पिनअप कर लोगे तो बहुत अच्छा होगा। किनारे किनारे सिलाई लगा लेनी है, जितना आपका बुकरम है उसी हिसाब से आपको कपड़ा कट करना है। मेरा थोड़ा सा कपड़ा बच गया था तो वही मैंने लगाया है यहाँ पर। मैं आपको शायद शुरुआत में बताना भूल गई हूँ कि मैंने पूरा 3 मीटर कपड़ा लिया था। तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है उसको भी बड़ी बड़ी सिलाई लगा कर आप इस तरह से उसको भी फोल्ड कर दीजिए, और फिर बाद में आप तुरपाई कर लेना। ठीक है, तो पहले इस तरह से हम इसको मोड़ लेंगे, तो फिर जब हम तुरपाई करेंगे हमें आसानी हो जाएगी। पूरा इसी तरह से आपको इसको सील लेना है। तो देखिए मैंने इसको पूरी तरह से सील लिया है। अब इसको देखिए मैं सीधा करके आपको दिखाती हूँ। ये हो गया हमारा रेडी। अब हम इसको अपने मेन कपड़े पर रखेंगे। कपड़ा हमारा सीधा है और उसके ऊपर हम इसको उल्टा रखेंगे, और फिर किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे।
पिनअप कर लिया करो हमेशा, इससे आपकी सिलाई जो है वो फिनिशिंग के साथ आ जाती है और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे मैंने आपको अभी सिलाई करना बताया है धीरे धीरे किनारे किनारे, उसी तरह से पूरा इसको शुरू से लेकर आखिर तक आपको सिलाई करते जाना है और जो पिन है उसको निकालते जाना है। बिल्कुल ऐसा नहीं करना कि पिन के ऊपर ही आप सिलाई चलाओगे तो आपकी जो सुई है वो टूट जाएगी। तो देखिए मैंने इसको सील लिया है, अब छोटे छोटे से नोचेस लगा देंगे, मतलब कि कट लगा देंगे। इससे क्या है कि आपका नेक जब आप इसे पलटोगे दूसरी तरफ को तो बहुत फिनिशिंग के साथ ये टर्न हो जाएगा और बहुत अच्छा ऐसा लगेगा जैसे कि आपने इसको कहीं मार्केट से सिलवाया है अपने कुर्ती को या जो भी आप बोलो गाउन बोलो इसको। तो देखिए इस तरह से कट लगाने के बाद इस तरह से आपको पीछे की तरफ फोल्ड कर देना और यहाँ पर एक सिलाई लगा लो, बड़े बखिए से लगा सकते हो यहाँ पर। और उसके बाद हम इसमें यहाँ पर भी जो मैंने अब लेस दिखाई थी आपको समोसा लेस, वही लेस मैं यहाँ पर भी लगाऊंगी। तो देखिए सिलाई जो है वो पूरी हो चुकी है। इसके बाद देखिए लेस जो है उसको नीचे की तरफ रखेंगे और ऊपर अपना मेन कपड़ा रखकर उस पर भी सिलाई लगा देंगे। ये वाली सिलाई आपको छोटी छोटी सी लगानी है, बारीक बखिए से लगाना है। अगर मोटी लगाओगे तो फिर आपकी लेस जो है वो बहुत जल्दी निकल कर ख़राब हो जाएगी। तो देखिए बिल्कुल एडजस्ट करते हुए बिल्कुल नाप तोल कर आराम से आपको सिलाई लगानी है। आप चाहो तो यहाँ पर सिंगल फुट का भी यूज़ कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पर जो लगा हुआ था मेरा डबल फुट वो उसी का यूज़ किया है। सिंगल फुट का यूज़ करने से आपकी जो लेस वगैरह लगाते हो उसमें बहुत अच्छी तरीके से फिनिशिंग आ जाती है। तो देखिए मैंने आराम आराम से धीरे धीरे इसको सिल लिया और उसके बाद जो एक्स्ट्रा लेस जो है उसको मैं कट कर कर बाहर निकाल दूंगी। तो यहाँ देखिए हमारा जो फ्रंट पार्ट है और बैक पार्ट है दोनों रेडी हो गए हैं, बाजू भी हमारी रेडी हो चुकी है। देखिए दोस्तों इसका जो काम है ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। ये देखिए मैंने इसका नेक भी बना लिया है, मैंने इसकी बाजू भी अटैच कर दी है। इसका कलर ना मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, ये डबल शेड में आता है ये देखिए। और फर्स्ट टाइम मैंने अपनी खुद की मशीन से इस पर पीको की है। देखो फर्स्ट बार की है तो हो सकता है इतनी फिनिशिंग आपको ना लगे, कोई बात नहीं, जब करते रहेंगे तो हो जाएगा। कोई भी काम ऐसा नहीं है कि हम उसे करेंगे तो नहीं होगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, करने लगोगे तो सब कुछ हो जाएगा। ठीक है तो ये है देखो कितना नीचे से फ्रिल बड़ा अच्छा सा लग रहा है ना इसका। अब इसमें काम सिर्फ इतना है कि इसकी हमें यहाँ से फिटिंग करनी है और ये वाला जो पार्ट है मेरा इसको मैं यहाँ पर अटैच करूँगी। ठीक है तो इसे कर लेती हूँ और मशीन जो है वो मैंने वहाँ पर सेट कर दी है, दिखाती हूँ आपको। तो देखो मशीन जो है वो यहाँ सेट हो गई है, बस थोड़ा सा काम है। देखने में काम थोड़ा सा लगता है लेकिन हार्ड होता है काफ़ी। कितनी बार ऐसा होता है कि बहुत बहुत दिनों के बाद जब हम स्टिचिंग करना स्टार्ट करते बहुत दिनों के बाद तो थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है। ठीक है तो मतलब 2 मिनट के काम में हमें 5 मिनट लगती है। तो जल्दी से मैं इसका फिटिंग वाली सिलाई लगा कर इसको अटैच करके फिर आप सबके साथ दिखाती हूँ, शो करती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। ठीक है अभी तो ये मैंने 4 फोल्ड कर रखा है, ये देखो इस तरह से इस पर लग जाएगा। तो मैं इसको कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आप सबको। तो चलिए दोस्तों ये देखिए पहले ऊपर वाला पार्ट रख के और फिर नीचे वाले पार्ट को रख कर आप नाप लो कितने हैं। अगर छोटा बड़ा होता है तो आप देख सकते हो, थोड़ी सी सिलाई एडजस्ट कर सकते हो। और मैंने नाप कर देख लिया बिल्कुल इक्वल आ रहा था तो मैंने पिनअप कर लिया दोनों को। साइड से साइड आपको मिला देनी है बिल्कुल लेफ्ट राइट वाली अच्छी तरीके से। और पिनअप करके मैंने इसको बिल्कुल शुरू से लेके आखिर तक इसको सील दिया था। तो ये देखिए आपको सिलने के बाद इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों फाइनल लुक इसका ये है। बस मैं सिलाई कर रही थी, लगभग 1 घंटा मुझे लग गया था और तुरंत जो मैंने पहन रखा था उसी पर पहन कर आपको दिखा दिया, इसलिए मैंने फेस नहीं दिखाया क्योंकि मैं बहुत पसीने पसीने हो रखी थी। फिनिशिंग देख लो कितनी अच्छी आई है, बहुत अच्छी तरीके से मैंने इसको कोशिश की आप सबको समझाने की। कोई कमी शमी रह गई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर अच्छे से समझ गई होगी तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।